रहे हैं और पाकिस्तान जो बाहर जा रहे हैं। तो गाइस ये है वो दरवाजा जिसके उस पर इंडिया है और इस पर पाकिस्तान। लाइक मदर लाइक डॉटर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का सीन कुछ इस तरह है कि हम जा रहे हैं करतारपुर और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और शायद 4-5 बजे बंद हो जाता है वो, और तकरीबन अब पता नहीं हम पहुँचते हैं हम जा पाते हैं कि नहीं। लेट सी। तो अभी हम सब जा रहे हैं वहाँ पर। यार ये जो है ना, ये हमारे नारोवाल का मेन रोड है। लाइक वो जो मेन वाला रोड होता है ना, सर्कुलर रोड जिसमें सब मेन चीज़ें वगैरह होती हैं, तो ये हमारा वो वाला है। इकरा आरिफ AGS गाड़ी का नंबर भी ऐड है। तो यार ये इनका जो है ना विजिटर कार्ड है जो हम सब ने लिया, उसको आपने दिखाओ। तुम वैसे इंडियन ही लगती है शक्ल से। हाँ आप ताती बाद में। हाँ उस वक्त इंडियन प्रपोजल भी आया हुआ। तो यार इंडियन वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि टिकटॉक व्लॉगिंग हर चीज़ यहाँ पर मना है और सर को भी ढांप के रखना है। तो डैट्स वाई हम किसी की रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हैं। लाइक तो ये है जी हमारा गुरुद्वारा दर्शन ड्योरी। तो यार इस जगह से जो है ना इंडियन जाते हैं और वो इंडियन फ्लैग सामने है और ये पाकिस्तान का फ्लैग और ये हमारी दर्शन ड्योरी। ये पाकिस्तान दर्शन ड्योरी है। यहाँ पे पाकिस्तान जनरल से जितने लोग आते हैं यहाँ से फॉरनर इंडियन लोग पाकिस्तान सिख पाकिस्तान हिंदू इधर सेंटर होंगे वो सामने इंडियन साइड है वहाँ से इंडियन लोग इंटर होते हैं। अंदर जाके लग सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा 3.5 किलोमीटर आगे सिख ज़्यादा आते हैं इंडियन की नस्बत ना। हिंदू हिंदू भी और मुस्लिम मतलब इंडियन अच्छा उनको ऐसे शौक भरा होना पाकिस्तान जा रहे हैं वीज़ा फ्री। मतलब हम खास हैं मतलब हम खास हैं ये खास की शक्लें हैं। जो थे वो सीखी रहे लाइक मदर लाइक डॉटर। तो यार अभी हमें जो है ना अपने शूज उतारने हैं सबको। तो यार ये भी कोई टेम्पल है सिखों का वो भी और ये भी इधर का जूता चला शाबाश। दूसरा इधर का जूता वो ये है इसका चलाओ। तो यार हमने शूज उतार लिए हैं। यार ये जो है ना ये सारा एक समझ रहे मॉडल्स है मैप्स है ये बार लगी हुई है पाकिस्तान और इंडिया की। इस तरफ इंडिया है यहाँ से गोल चेकअप फिर शटल में बैठते हैं उसके बाद इमिग्रेशन पे आते हैं $20 पे करते हैं उसके बाद $20 ये इनको कार्ड इशू था येलो कलर का। अच्छा उसके बाद करेंसी चेंज करते हैं उसके बाद इमिग्रेशन पर फिर गाड़ी में बैठते हैं
ये गुरुद्वारे आ रहे हैं। ये दरिया रावी है, 800 मीटर का ब्रिज है। ठीक ठीक ठीक। ये 6 माह में बना है। अच्छा, ये दरिया रावी है। ठीक ठीक ठीक। ये गुरुद्वारा मेन गुरुद्वारा बना हुआ है। अंगीठा साहब है निशान इनका, मेहमान खाने इस गुरुद्वारे में आते हैं। मेहमान खाना मतलब यहाँ रह भी सकते हैं, यहाँ पे इंडियन यात्री लोग रह सकते हैं, पाकिस्तानी सिख हिंदू रह सकते हैं। ये मेरे को नानी अभी बन गया, बन के मेहमान खाने दो बने, बाकी भी कुछ बने नहीं है। ठीक है, वही शकरगढ़ रोड जैसे आप नीचे उतरे हैं नारोवा रोड से, ये वाला ये रोड आ रहा है। ठीक है, आपने गाड़ी यहाँ पे पार। अच्छा अच्छा, सही सही सही। और यहाँ से मंदिर एंटर हो, यहाँ से मंदिर है इस जगह से, थोड़ा सा आगे बड़ा नक्शा है, उधर बेहतरीन तरीके से। ठीक ठीक, मुकम्मल जो गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका आप लोगों ने विजिट करना है। ठीक है, अच्छा, अभी हम दर्शन दूरी सेंटर हो गए। ठीक ठीक, इसके छत के नीचे खड़े इंडियन वार्ड उस दर्शन दूरी सेंटर होते हैं और सामने बनी। अच्छा, इंडियन वार्ड उस दर्शन दूरी सेंटर होता है। वो इधर से आप इसी तरह स्नान करते हैं, इनका स्नान है, इसमें सरोवर साहब बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर स्नान करते हैं, सात वाला जिसको छत डली लेडीज का। अच्छा, ये जेंट्स का। ठीक ठीक, स्नान करने के बाद गुरुद्वारे में चले जाते हैं। अच्छा, ये मेन गुरुद्वारा, इधर से सारे मुसलमान सिख हिंदू सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, यही चीज़ दीवानस्थान इन्होंने ये बना रहे, जब यहाँ पे इबादत करने की जगह मतलब फुल हो जाती है, लोग इबादत करने की जगह नहीं रहती, फिर ये लोग यहाँ पे जाके इबादत करते हैं। ठीक ठीक ठीक। ये इनका लंगर हाल है, वो सारी खेती बाड़ी उस साइड पे, ये मेहमान। सही सही सही। चलो तो यार, जब हम पहले आते होते थे ना तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला था गुरुद्वारा, लाइक जो इनका मेन टेंपल था। तो अभी इन्होंने वो पीछे वाला भी बना दिया एक। ठीक है, अभी उन्होंने बताया मैप पे, जब यहाँ पर इबादत की जगह नहीं होती मतलब फुल हो जाता है तो लोग फिर वहाँ पर चले जाते हैं, और ये पूरा इन्होंने दोबारा से बनाया। अभी हम जा रहे हैं वो जहाँ पर ये पार्क होने के लिए नहाते हैं, और मुकद्दस तालाब में जूते उतार कर दाखिल हूँ मुकद्दस तालाब में। तो ये इनका क्या है, ये सॉरी मुझे भूल गया था, ये सरोवर साहब इसको बोलते हैं, यहाँ पे स्नान लोग करते हैं। अच्छा, तो ये पानी ऐसे ही साफ रहता है कि चेंज वगैरह करते हैं पानी? चेंज करते रहते हैं दो तीन दिन। अच्छा अच्छा, हम पाक पानी है इसके अंदर बस जा रहे हैं थोड़ा सा लाइक बस। जनाब से ही सीख लग रही है मुझे, नहीं बड़ी सही उस इकरा मुझे कितनी सही सीख लग रही है, तुम्हें भी कोई कमी नहीं है खास। हर हमको इसी पानी में फेंक दो, हर हम नो चले 2020 में 19 में 19 में और थोड़े दिनों का बंद हो। हाँ, कोरोना की जैसे यार ये पत्थर में हम निहाल गए, ये ताले ये वाली यार, ये इतनी तप रही है जमीन ये वाली के मतलब यहाँ पर अब खड़े नहीं हो सकते इस जमीन पे, तो इस मैट पे चलो। और उसे तो वो पता है मस्जिद है हरम, हरम पाक में जाना तो वो शायद इतनी मर्जी धूप हो ना, लेकिन उन्होंने मार्बल ऐसा लगाया हुआ कि वो ठंडा है। देखो हमारे अल्लाह का घर कितना ठंडा है। तो यार अभी हम जा रहे हैं इनके मेन टेम्पल पे, और ये किसी ने यहाँ पानी बिखारा हुआ है कि पाँव ठंडे ठंडे हमारे चल रहे। कितने पैसे लगे बनाने में? 26-27 अरब। तो इतना कमा लिया है अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं, मेरे हिसाब से कमाया गुरु नानक के घर में था कुआ। अच्छा, ये गुरु नानक अपने डेली यूज के लिए आप लोग ने इसमें लगाया था? वो कुआ किसके लिए लगाया था? मुसाफरों के लिए। अच्छा, मुसाफर एक वो परिसर में लगा जो खेती करते हैं। अच्छा, ओके ओके। ये सारे ये क्या लिखा हुआ है? अंत ना सफती कहन ना अंत सरब रंगे भाई तलवार है। हाँ, उधर चले मैं अभी आपके पीछे। बादो बहुत तेज भागो मैया, इधर देख मैया, उधर ना जाओ बेटा, आपके पांव सारे जलेंगे। इधर आओ, इधर इधर ये देखो, ठंडा 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 है ना ये। चलो यहाँ भागो। तो यार वो जो हमें ना विजिटर विजिट करा रहा है, और उस पर जो है ना पागल लोग तेरा फोटोज खींच रही है, तो तुम क्यों फोटोज खींच रही हो? एंजॉय करो, तुम्हें सारी फोटोज। तो यार वो लिखा हुआ है बगीचा, यानी कि वो गार्डन है, बगीचा था उनका, और वो है निशान साहिब, निशान साहिब। मिस्टर इमरान खान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये तलवार, और ये पीछे का एरिया भी आप देख सकते हैं।
बगीचा है। तो यार वैसे यहाँ पर जो टाइमिंग्स होती है ना वो तकरीबन सुबह 9 से 4 बजे तक होती है इंडियंस की और आम पाकिस्तानियों की भी लाइक। तो अभी जो है 5 बज रहे हैं, यानी कि इंडियंस अभी नहीं है यहाँ पर, हम लेट है। तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि यार इंडियंस से मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस जानते, उनकी राय जानते। खैर लेकिन उनकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर अभी इतना रश भी नहीं है। वो बता रहे थे कि डेली के कोई 150-200 इंडियंस आते हैं इसके ऊपर, ये इनका निशान है। उसके बाद जैसे उनको मेला कोई फंक्शन ऐसे कोई दिन होता है ना, जैसे हमारे मामा जो है इनका ज्ञानी होता है, कुर्सी में बैठा ऊपर जाकर कपड़ा उतारता है, नया कपड़ा लगाता है, फिर ये कपड़ा खोल कर आपस में एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, तुम्हारे खाने का पका कपड़ा जी, बिल्कुल ये इसकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। अच्छा आशी, ये क्या लगा हुआ है? ये गुरु नानक के इनके मंदिर वगैरह, ये मुसलमानों ने मज़ार बनाया था इनके बाबा। ये फूल और चादर जब इसके मिले थे ना, जैसे डेड बॉडी गैप हो गई थी, फूल और चादर चार पाई मिले थे, मुसलमानों ने यहाँ पर मज़ार बना दिया, दफना दिया, सिखों ने मेरे समाधि बना दी। समाधि मतलब कब्र, मतलब इसे संस्कार करके जला के राख को। अच्छा सही सही, ये इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी है जब ये ठीक 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 ये पूरी इसकी हिस्ट्री है जी। 1920 में बनी थी। तो यार इस बिल्डिंग के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स लिए आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर क्या था। प्रसाद मिलता है, प्रसाद कबर पे जो होता है, अगर लेना था तो लेके दे सकता हूँ। वो गुनाह तो नहीं होता, नहीं नहीं चटू हलवा है वो मिले देता। पर इतना नहीं था वो, चेंज हो गया ये अमृत जल थे। जैसे हमारा पे जमजम है, लोग पैसे और ये जो कुएं का पानी है ये यहाँ पर इस प्लांट में जाके साफ होता है और वो इधर इन टैप्स में आता है और ये अमृत चल रहा है। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये इस गोले की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर। मेरिकल ऑफ वाहे गुरु जी। अच्छा फोटो खींच रहे थे हमारी, क्यों खींच रहे हमारी, देख रहे कौन से पंजाब के कौन से लग गए सारे नहीं जा रहे। और बच्चों ने भी तो पहना हुआ ना, तो सो रहे थे किसी ने ये क्यों पहन जाऊँ पहना हुआ ऊपर, फोटो को जिनको मिलता ना वो पहनते हैं, अब तो मैंने मेरा तो नहीं पहना। ओके हम भी उपल है, तो हमारे परदादा बहुत ज्यादा दूर के परदादा वो सिख थे, उनके एक औलाद ने जो है ना वो की थी बगावत की थी और वो मुसलमान हुए थे, आगे से हम उनकी औलाद है, नहीं तो हमने भी सिख होना। हाँ अमृत जल पानी तो बोलते हैं, फ्री देते हैं ना।
तो यार अभी हमने तकरीबन पूरा गुरुद्वारा देखा हमने भी, आपको भी मैंने दिखाया, कोशिश की, और अभी हम जा रहे हैं लंगर, गुरु का लंगर खाने। गुरु का लंगर यहाँ पर आप डोनेशन वगैरह दे सकते हैं इस गुरुद्वारा को। और ये लंगर खान, लंगर खाना नहीं, कितनी सॉफ्ट प्लेट्स चली हुई है, मुझे भी दो स्पून। Is it good? अरसान? बहुत अच्छा। आप वैसे सही तरीके से खा रहे हो, जैसे खाना अच्छा है? Nice. तो यार अब ये मीठा सर्व कर रहे हैं, कुछ मीठा। थोड़े से इतने ही डाल दो। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी आधा ग्लास इसमें भी। बस बस बस। तो यार अभी जो ये बर्तन है ना, इसको हम छोड़ने जा रहे हैं ये किचन में। और ये खाना सीख बनाते हैं, वो बर्तन बर्तन। जूते वगैरह पहन रहे हैं बच्चे बस यहाँ पर सब। अल्लाह हाफिज गुरुद्वारा। तो यार ये हमारा गुरुद्वारा है, और इससे जो इस तरफ है ये शॉप्स हैं जहाँ से मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर आप चल नहीं सकते, कोई आपको मसला है, तो ये व्हील चेयर्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैया मजा आया तुझे? मैया मजा आया? इस टाइम जहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पर वीडियो बनाना अलावा नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान पे खेल के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी हम गुरुद्वारा से तो बाहर आ गए, लेकिन हम इस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ से इंडियंस आते हैं, जीरो लाइन पे जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल कैमरा नीचे रख के वीडियो बना रही हूँ, मैं पकड़ी नहीं जाऊँ। इसी लोकेशन पर पहले मुझे वार्न किया था कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीट हूँ, मुझे कॉन्टेंट बनाना आप लोगों के लिए। तो यार ये वो सड़कें हैं जिधर से जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और जो लाइक पाकिस्तानी लोकल्स हैं उनको अलाउड नहीं है यहाँ से जाना। बस प्रोटोकॉल या कोई अलाउ लिया हो, परमिशन दी हो, तो आप जा सकते हो। अलाउ लिया चलो रिवर रावी। तो यार ये जो है ये दरिया रावी का ब्रिज है, और इस सिर्फ इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 6 मंथ्स का यानी 6 महीने का अर्सा लगा था। तो यार ये वाली जो बिल्डिंग है ये इमिग्रेशन पॉइंट है, यहाँ पर जो इंडियन जब आते हैं तो उनकी यहाँ पर इमिग्रेशन होती है। जो बसेस खड़ी हुई हैं ये बसेस यहाँ से उनको गुरुद्वारा लेके जाती हैं। इस टाइम हम लोग बिल्कुल जीरो लाइन की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बाहर तो नहीं पाकिस्तान के अंदर ही हैं, लेकिन जीरो लाइन की तरफ जा रहे हैं, लाइक जहाँ से इंडिया शुरू हो जाता है आगे। तो गाइस ये है वो दरवाज़ा जिसके उस पार इंडिया है और इस पार पाकिस्तान। यार यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हम जितनी आगे जा सकते थे हम गए, और आगे ऑब्वियसली नहीं जा सकते थे क्योंकि आगे इंडिया था, और बिल्कुल नज़र आ रहा था उनका इमिग्रेशन पॉइंट जो इंडिया की तरफ था वो भी नज़र आ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जो इंडियंस वहाँ से आ रहे होते हैं उनके लिए, कि वेलकम टू पाकिस्तान, और ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आपका पाकिस्तान में इस्तकबाल है। हम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल पास से हो गए हैं, और इंडिया का झंडा, और उधर से जो उनका इमिग्रेशन सेंटर था जहाँ से वो लोग इमिग्रेशन अपडेट यहाँ आते हैं, वो
वो भी प्रॉपर सारा मैंने देखा है, कैप्चर करने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर जरा वीडियो बनाना भी मुश्किल था, इतना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको दिखाऊँ सारा कुछ। और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर वाली साइड पे, गुरुद्वारा वाली साइड पे। यार पाकिस्तान में 09 के इस तरफ हमारा नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है और इंडिया में उस तरफ इस 09 के जिला गुरदासपुर है, अमृतसर जिला है और जो रीजन है गेस वो गुरदासपुर है। तो मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नारोवाल जहाँ पर मैं रहती हूँ वो बिल्कुल मतलब इतनी बॉर्डर लाइन पे है। गुरुद्वारा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको एक डोम टाइप नजर आ रहा होगा, ये अभी तो नहीं बना लेकिन ये बन रहा है, फ्यूचर में ये शमशान घाट बनेगा जहाँ पर अपनी डेड बॉडीज को जलाया करेंगे। तो यार यहाँ पर जो आपको ये डबल डेकर बस टाइप नजर आ रही है, जब इनका कोई इवेंट या कोई चीज़ होती है तो ये इसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो यार जैसे हम अपने अल्लाह के घर जाते हैं मक्का मुकरमा में, हरम पाक में जाते हैं, वहाँ की ज्यारत करते हैं, वहाँ जाके उमरा परफॉर्म करते हैं, जैसे वो हमारा मेन एक मरकज है सब मुसलमानों का, तो बिल्कुल इसी तरह जो ये गुरुद्वारा है करतारपुर, यहाँ पर जो सिखिज्म के फाउंडर थे बाबा जी गुरु नानक साहब, उनकी ये पैदाइश की जगह थी, यानी वो यहाँ पैदा हुए थे और सारे दुनिया में जितने भी सिख हैं उनका ये मरकज है, मतलब एक मेन समझ लें कि उनका ये एक पॉइंट है, जैसे हमारा हरम पाक है वैसे उनका ये वाला गुरुद्वारा है। तो यार जब हम गुरुद्वारा गए थे तो हमने प्रॉपर हर चीज़ की परमिशन ली हुई थी कि टेम्पल्स के अंदर भी हमने जाना है और 09 तक भी हमने जाना है, मतलब हमारी समझ में सिफारिश थी कि हमने सारा घूम गया ना, क्योंकि नॉर्मली जब लोग जाते हैं तो उनको इतना विजिट नहीं करवाया जाता, वो जस्ट बाहर से ही हमें मतलब बाहर से लोगों को दिखाते, लेकिन हमने सारा देखा और हमारे साथ गाइडर भी था, मैंने कोशिश की जो जो मैं देख रही हूँ साथ साथ आपको भी ज़रूर दिखाऊँ। और जितने भी सिख बहन भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के हवाले से इस वीडियो में सारा सारा कुछ बोला, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी होगी हो आपके मज़हब से रिलेटेड या कुछ भी तो मैं दिल से आपसे माजरत मांगती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।